नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, कोर्ट जाने की तैयारी में संत समाज ने उठाई संपत्ति जांच के मांग, बोले नाक रगड़कर माफी मांगे मिश्रा। आपको बता दें कि सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी और तुलसीदास जी पर दिए गए बयान के वीडियो का धार्मिक नगरी उज्जैन में जमकर विरोध हो रहा है। उज्जैन में अनेक संगठन उनके बयानों के निंदा करने के साथ ही उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगने और धार्मिक भावना आहत होने पर कलेक्टर एसपी के साथ ही थाने तक पहुंचकर प्रकरण दर्ज करने की मांग कर चुके हैं। आज भी पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ उज्जैन का संत समाज एकजुट हुआ है। संत और तीर्थ पुरोहित ने खाक चौक पर पंडित मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर एक बैठक आयोजित की है, जिसमें ये तय किया गया कि वे उज्जैन में पंडित मिश्रा की कथा नहीं होने देंगे। संतों ने उनकी संपत्ति की जांच की मांग भी उठाई है। राधा रानी और तुलसीदास जी को लेकर कथा के दौरान कही गई बातों को लेकर कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अब तक जुबानी बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन गुरु सादिपनी के वंशज पंडित रूपम व्यास ने पंडित प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो वह विद्वत परिषद से बात कर इस मामले में न्याय के लिए कोर्ट तक जाएंगे। मौन तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर नंद गिरी महाराज तुलसीदास जी को गवार कहे जाने के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए इस मामले में कलेक्टर एसपी के साथ ही थाना जीवाजी गंज पर आवेदन देकर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस के रचयिता हैं, हम वर्षों से रामचरितमानस का पाठ करते आ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति तत्व को गवार कहे जाने से उनके प्रति हमारी आस्था को गहरा आघात पहुंचा है। महामंडलेश्वर सुमनानंद जी ने कहा कि अगर इस मामले में जल्द प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता तो फिर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। कुल मिलाकर उज्जैन में हो रहे प्रदर्शन से पंडित प्रदीप मिश्रा की मुसीबतें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी और तुलसीदास जी पर दिए गए बयानों के बाद पठ दर्शन संत समाज और तीर्थ पुरोहित तेहरे अखाड़ों के संत महंत मंदिरों के पुजारी लामबंद हो गए हैं। शहर के खाक चौक पर स्थित वैदेही गार्डन में सभी संत एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। संतों ने एडीएम अनुकूल जैन को पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में माता राधा रानी पर अनर्गल टिप्पणी की है। इसके अलावा तुलसीदास जी के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे उज्जैन ही नहीं देश और दुनिया के सनातनी भक्तों की भावना आहत हुई है। संतों ने प्रदीप मिश्रा की संपत्ति की जांच करने की मांग की है। उज्जैन पट दर्शन संत समाज और तीर्थ पुरोहितों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जब तक संत समाज से माफी नहीं मांगते तब तक उनकी उज्जैन में कोई भी कथा संत समाज होने नहीं देगा। इस दौरान अंग्रेश्वर मंदिर सहित धर्म सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय पुरोहित महासभा और धर्म यात्रा संघ के करीब 100 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी कथावाचक पाखंड की दुकान चला रहे हैं, सभी में कोई ना कोई कमी है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, किसी भी बात को लेकर अपनी अलग अलग राय देते हैं। इनके भक्त फिर भी इन पर भरोसा करते हैं और लूटते पीटते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BH News Network।